सारे लोगों को पिंपल्स हो रहे हैं। तो बहुत से लोग होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, या फिर बहुत लोगों ने कुछ सदियों से चली आ रही हुई चीजें हैं जो लोगों को लगता है पिंपल्स क्लियर करने में मदद करते हैं। तो आज हम उन मिथ्स की बात करेंगे जो लोगों को लगता है कि ये करना सब सही होता है, बट ये एक्चुअली सही नहीं है। तो आज हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स और मिथ्स एक्ने के बारे में। पहला कि ब्लड प्यूरिफायर्स आपके एक्ने या पिंपल्स क्लियर करते हैं। आपको एक्ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, सो इससे आपका प्योर इम्प्योर ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये मिथ है कि ब्लड प्यूरिफायर्स आपके एक्ने क्लियर करते हैं। फिर आता है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ टीनेजर्स को ही एक्ने आते हैं। टीनेजर्स को ही एक्ने नहीं आते, हालांकि 50% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो टीनेजर्स में एक्ने पाए जाते हैं, बट नियरली 50% ऑफ वुमन एंड 25% ऑफ मेन एक्सपीरियंस एक्ने बिटवीन एज 25 to 45। सो नॉट ओनली टीनेजर्स गेट एक्ने, बट एनी एज ग्रुप कैन गेट एक्ने। इनफैक्ट इन्फेंट्स एक्ने भी होता है, मतलब छोटे बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबीज में भी एक्ने पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि टीनेज में मुझे एक्ने नहीं है तो मुझे आगे नहीं होगा। आप प्रॉपर स्किन केयर लीजिए, ये सब आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एक्ने के। फिर कि पिंपल्स को फोड़ना, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पिंपल फोड़ते हैं तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और ट्रिगर करते हैं, इससे चांसेस और बढ़ जाता है कि आपको पिंपल्स और ज्यादा आ जाएंगे, और उसके जो मार्क्स रह जाते हैं उन्हें जाने में बहुत देर लगती है। मतलब इसको तो आपको ट्रीटमेंट पक्का है कि आपको ट्रीटमेंट लेना ही है, तो पिंपल्स बिल्कुल मत फोड़िए। जो लोगों में बॉडी हीट ज्यादा होता है तो उनमें एक्ने आते हैं, लोगों का ये मानना है। मेरे काफी पेशेंट्स ऐसे कहते हैं मेरे बॉडी में बहुत हीट है तो मुझे पिंपल्स आते हैं। आपका बॉडी हीट और एक्ने का कोई कनेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में होते हैं तो उससे आपकी बॉडी हीट इंक्रीज होती है, बट दैट विल शो यू इन द फॉर्म ऑफ रैशेस और प्रिकली हीट, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्ने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत 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 कॉमन चीज, एक्ने पे टूथपेस्ट लगाना बिल्कुल भी मत करिए, बिकॉज जो फ्लोराइड्स होते हैं टूथपेस्ट में वो आपके एक्ने का स्कार फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज जो आपके एक्टिव एक्ने हैं उनमें आप होम रेमेडीज बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है शायद और वर्सन हो सकता है। फिर आता है कि ऑयली फूड, फ्राइड फूड, ये सब खाने की वजह से मेरे पिंपल्स बढ़ जाते हैं। मैं नॉनवेज खाता हूँ तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। कुछ फूड्स जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई होता है वो चीजें आपके एक्ने को ट्रिगर करते हैं, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, इससे एक्ने आ सकते हैं। बट ऑयली और फ्राइड फूड्स का आपके एक्ने से ऐसा कुछ कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ और डाउट है कि आपको कुछ लगता है एक्ने के बारे में कि ये करने से ऐसा होता है, तो आप बिलो कमेंट सेशन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ये बता दूंगी कि वो फैक्ट है या मिथ है।